ये जो है ऐसे बजता है। ये जो है बिस्किट का पैकेट नहीं है। ओके हाँ तो यार ये जो है बिस्किट बिस्किट का पैकेट नहीं है, क्योंकि ये इसका जो रैपर है देख सकते हो आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज जो है वो हम लोग फायर क्रैकर्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग देने वाला हूँ। तो मेरा एक दोस्त है जो कि लखनऊ से आया हुआ है और उससे चाहिए पटाखा। तो मैं यहाँ पे अभी सब जगह पता कर लिया, हर कहीं भी अभी जो है वो पटाखों की दुकान नहीं खुली थी। तो मेरा एक और दोस्त है, उसने बताया कि हाँ भाई मेरे कांटेक्ट के हैं, तो उन उसके कांटेक्ट से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जो कि एक वो है क्या बोलते हैं गोदाम टाइप का है, यानी होलसेल रेट पे हम लोग आज पटाखा लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, कल जो है वो 31st है, तो कल से जो है वो रामलीला मैदान में सारी पटाखों की दुकान लग जाएंगी। तो आप लोग जाके वहीं से जो भी बाई करना होगा, मैं तो बोलूँगा कि बाई मत करना, क्योंकि मैं जो हूँ इस बार उतना पटाखा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यार पॉल्यूशन फ्री थोड़ा सा करना पड़ता है। और वैसे भी कोविड से तो अभी उतना भी नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो पेंडेमिक से हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए हैं इस टाइम में। तो यार ज़्यादा कुछ अद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जो है वो सिंपल सा दिवाली मनाओ, पूजा वूजा करो घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ फायर क्रैकर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं इधर उधर ना लगे किसी को भी। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट मार्केट में यहाँ से, और उसके बाद जो है वो पटाखा की मैं आप सभी को दिखाता हूँ गोदाम कि कैसा दिखता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, तो चलो लेके चलता हूँ आप सभी को। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 1:00 PM और मैं निकल चुका हूँ घर से अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज़ यार अभी जो है हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से चौक में, और वहाँ पे जो है पहले फायर क्रैकर्स की लिस्ट बनेगी कि क्या कुछ हमें जो है वो पटाखा चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो दुकान नहीं खुली है, जो भी है छुपके छुपके थोड़ा सा मतलब दिया जा रहा है। बाकी 31st से जो है वो रामलीला मैदान में दुकान लग जाएगा। तो गाइज़ चलता हूँ सीधा वहाँ पे अभी लिस्ट बनवाने, और लिस्ट बनवाने के बाद जो है वो हम सीधे निकलेंगे गोदाम पे इनके, जहाँ पे जो है इन्होंने पूरा जो है फायर क्रैकर्स अच्छा खासा मंगा रखा है। मैं आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं। तो भैया यहाँ पे अभी 1:30 PM और ये जो है हमारी आधे घंटे में जो है 4 ही 5 पटाखों की लिस्ट तैयार हुई है। तो अभी सीधे निकलेंगे यहाँ से हम लोग गोदाम पे पटाखा। ये 30 शॉट हो गया। तो गाइस 2 बज गए हैं और आधे घंटे लगे हमें इनके शॉप पे आने पे, शॉप मतलब यार गोदाम पे आने के लिए। तो अभी जो है ये पटाखों की सिलेक्शन चल रही है। चलो भैया देखते हैं कौन कौन सा ये लोग लेते हैं। आप यहाँ पे देखो पूरा कार्टून जो है वो भर भर के जो है वो पटाखा रखा है। तो यार बताना कि अगर आपको ये पूरा कार्टून मिल जाए तो आप क्या करोगे। या इन लोगों के पटाखों की सिलेक्शन चल रही है, और मैं आप सभी को दूसरी तरफ दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये कार्टून पैक है और इसके अंदर भी जो है वो पटाखा ही रखा है। और ये जो है इनका पहला गोदाम है। आप सभी को मैं इनके दूसरे गोदाम पे भी लेके चलने वाला हूँ, लोकेशन नहीं बता पाऊँगा बट हाँ लेके चलता हूँ आप सभी को। तो यार काफ़ी बेहतर है, मेरे क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे जो है पटाखा देख के सचुई, क्योंकि इतना सारा पटाखा जो है मैंने एक साथ कभी नहीं देखा है। तो अभी बहुत ही थोड़ा सा मतलब मज़ा आ रहा है, क्या ही फीलिंग बताऊं। तो अभी ये जो है आप देखो इनके दूसरे गोदाम पे मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे भी जो है पटाखा रखा है यार, एक पटाखा जो हम लोग का है वो, एक पटाखा जो है हम लोग का मॉकटेल नाम है उस पटाखे का, तो हम लोग वही लेने आए हैं दूसरे गोदाम पर, क्योंकि वहाँ नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं कब तक मिलता है, अभी तक तो ये ढूंढ ही रहे हैं। देखो यार ये पहला कार्टून खोल रखे हैं, और अभी से पता नहीं किस कौन से गार्डन में होगा, इनको खुद ही पता है। तो अभी ये जो है अभी भरपूर ढूंढेंगे तब जाके हमें मिलेगा। तो गाइस ये जो है बिस्किट का पैकेट नहीं है। ओके तो यार ये जो है बिस्किट का पैकेट नहीं है, क्योंकि ये इसका जो रैपर है देख सकते हो आप कैसा लग रहा है। बट ये जो है वो स्काई शॉट है, वो भी 12 स्टार है। तो यार दोस्तों 1 बजे से निकले निकले अभी 3 बज गए 2:00 PM, और अब जाके ये जो है मॉकटेल बार जो है वो मिला हम लोग को। काफ़ी अच्छा जो है इसका डिज़ाइन निकलता है, तो मैं आप सभी को दीपावली के ब्लॉग में आप सभी को उस दिन दिखाऊंगा। तो आप सब रेडी रहना देखने के लिए, मैं शूट करूंगा उस दिन भी ब्लॉग। तो अभी वहाँ से हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी आ चुके हैं डायरेक्ट
रास्ते में, और वहाँ से जो है मैं लोकेशन नहीं बता पाऊँगा, इसलिए जो है मैं आपको उनके गोदाम के बाहर से जो है मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो यार काफ़ी भीड़ है यहाँ पे अभी, और यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे अपने घर। और मुझे इन्होंने कुछ दिया है जो कि वहाँ पे जो है बच्चों का पटाखा होता है, छोटे बच्चों के लिए जो पटाखा आता है वो मुझे इन्होंने दिया है, तो मैं आप सभी को वो घर चल के दिखाऊँगा। भैया अभी बज गए दोपहर के 3:30 और मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो में, और मुझे देखो ये जो है ये पटाखा मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है, तो मैं आप सभी को अभी दिखा दे रहा हूँ। ये जो है यार ये बच्चों का पटाखा है, तो मैं कहा चलो भाई थोड़ा सा मतलब बचपन के दिन याद करते हैं, तो अभी जो है मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। तो यार इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। तो यार ये जो है इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, काफ़ी तरीके से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ पहली बार, तो अभी जो है इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या कैसा ये। यार मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो है छोटे छोटे जो है वो पॉप यानी आलू बम की तरह होते हैं, तो अभी इसे बाहर निकालता हूँ, आप ये देखो और देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो यार अभी देखो इसके ऊपर जो है वो लिखा है कि टोटल, हाँ यहाँ पे, तो यार यहाँ पे जो है वो लिखा है कि टोटल 50 पीसेज हैं इसके अंदर, और गिनूंगा नहीं यार इन्हें, गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आप सभी को ऐसे ही जो है वो दिखा दे रहा हूँ इसे खोल के और थोड़ा सा कुछ गिरदी पन करके। तो यार ये जो है ये है, और ये जो है ऐसे बजता है बूम। तो यार लिटरली काफ़ी बेहतर है ये जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसे नहीं बज रहा यार, ऐसे बज रहा है यार, आप आवाज़ जो है वो सुन सकते हो इसका। दोस्तों ये देखो यार पटाखों के चक्कर में पूरे जो है वो ये सब जो है पूरा गंदा हो रखा है, और अभी दोबारा से इसे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही जो है वो साफ़ किया था इसको अभी कुछ देर पहले ही। तो चलो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मिलता हूँ। ये देखो इतने सारे जो है वो कचड़ा हो रखा है अभी 2-3 पटाखों में, और ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो वो गिट्टी है यानी स्टोन, और इसे जो है वो फेंक कर आता हूँ मैं बाहर, तब जाके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों दिवाली के दिन जो है वो काफ़ी यूनिक ब्लॉग देने वाला हूँ इस बार, क्योंकि यार जो है लाइक कैमरा वाले भैया, क्योंकि मैंने उनका नाम जो है वो किसी से सुना था, और उनकी तरह जो है वो शूट करने की थोड़ा सा सोचूंगा, क्योंकि यार मेरे पास तो सारा इक्विपमेंट है नहीं, तो फ़ोन से देखते हैं कि कैसा शूट कर पाता हूँ, और आई होप कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब यार किसी बड़े यूट्यूबर को ही कॉपी करके जो है छोटे क्रिएटर्स ऊपर आते हैं, तो उस वजह से जो है मैं कॉपी करने वाला हूँ, और वो भी कुछ देखते हैं यूनिक क्या कर पाता हूँ मैं उनकी तरह, तो ज़रूर कुछ करूँगा इस बार। और आप सब जो है वो वीडियो देखना, देखता हूँ कि क्या कुछ मैं यूनिक दे पाता हूँ। और जो हाँ एक चीज़ और, जो आप लोगों ने थंबनेल पे बैनर देख रखा है उतना सारा जो है पटाखा, उतना सारा मतलब जो है वो सब बजने वाला नहीं है, सिर्फ लाइटिंग वाला है। तो वो जो पटाखा है वो सिर्फ 2000 का हम लोग लेकर आए, सिर्फ 2000 में वो पटाखे सारे लेकर आए हम लोग। और हाँ ये था कि होलसेल के रेट पर मिला तो थोड़ा सा सस्ता था, बट हाँ रामलीला मैदान में जो है वो पन्नी भर के प्लास्टिक में सारे पटाखा देते हैं, वो भी इतना थोड़ा सा। तो यार देखते हैं क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट में है या लॉस में, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना।